आइए आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की कुछ बड़ी बातें। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही चल रहे हैं इस वक्त निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खुले हैं, तो वहां से भी सेंटिमेंट्स पूरी तरह से मजबूत हैं। लगातार 3 डबल सेंचुरी जो डाव ने मारी है, उसका दुनिया भर के बाजारों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। हमारे लिए खासतौर पर निफ्टी 8350 के करीब बने रहना एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है। कैपिटल गुड्स, FMCG, ऑयल, इंफ्रा या कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे हम अच्छी खासी रफ्तार देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक भी 18,000 के ऊपर निकला है। ट्रेडर्स की बात अगर करें तो पुट राइटिंग हो रही है, यानी इस तेज़ी पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, तो 8300, 8200 हर एक लेवल पर हम अच्छी खासी पुट राइटिंग होते हुए देख रहे हैं। ऐसे भी वीकेंड के पहले पुट में प्रीमियम खाने की एक कोशिश होती है, और इस तरह की शानदार तेज़ी के बाद ये जो राइटिंग हो रही है उसको हालांकि एक काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस का संकेत माना जाना चाहिए, क्योंकि 8300 के ऊपर हम काफ़ी वक्त से निकल नहीं पा रहे थे और लंबी मशक्कत के बाद निकले हैं। जी हाँ, और फिलहाल अब तक तो जो भी ट्रेड्स हैं वो तेज़ी के ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। जिस तरह की पोजीशंस हमने देखा है आज एक्सपायरी के पहले दिन, एक नई सीरीज के पहले दिन देखने को मिली है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, टेक्निकल सौदों पर हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के समय चौहान से, और डेरिवेटिव सौदों पर एक चेक लेंगे प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव से। किरण, एक बहुत ही मजबूत शुरुआत इस सीरीज की, 8350 पर हमने ट्रेड देखा है आज, और उसी के आसपास अभी भी मंडरा रहे हैं। कितनी रौनक आ सकती है बाजार में, क्या तेजी की पोजीशन अब जोड़ेंगे? और बिल्कुल जोड़नी चाहिए तेजी की पोजीशन। हमने देखा है कि लास्ट स्विंग टॉप जो 26 अक्टूबर 2015 में आया था उसका हाई था 8335। आज 8335 के ऊपर खुले और उसके ऊपर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो आज इंट्राडे में जो करेक्शन आया हर्षदा जी, वो भी 8335 के नीचे नहीं गया, उधर सपोर्ट ले और वापस आप पर आपको उछाल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि नीचे से बहुत अच्छी बाइंग आई है और आपको और स्ट्रांग बाइंग आपको आती नजर आएगी, और इधर से और बढ़त देखने को मिलनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो लास्ट स्विंग टॉप जो था इमीडिएट टॉप वो 8300 का, 8290 का, ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस किया है और डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल बुलिश ही पोजीशंस रखने चाहिए। ओके, बुलिश रहने की सलाह है। फिलहाल बाजार की तेजी का मूड बरकरार रहेगा। अशोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। अशोक बताइए। हाँ, मैंने यूको बैंक के 1700 शेयर परचेज किया है, 55 रुपए के खरीदा है। अशोक जी, बेचना है या होल्ड करना है? अशोक जी, कब लिए आपने ये स्टॉक? मैंने 8 महीने हो गए इसको लिया। 8 महीने हो गए, यानी ये जो पूरा का पूरा बैंक एनपीए बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ उसके ठीक पहले आपने एंट्री ली। आप अभी भी नुकसान में हैं, हालांकि बैंकिंग स्टॉक काफी रिकवर हुए हैं निचले स्तर से, तो आपने और भी गहरा लॉस दिखा होगा, लेकिन आप बने हुए हैं तो अब मुनाफे में ही निकलना चाहेंगे। किरण, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके, बिल्कुल जिस तरीके का ट्रेंड है, मुझे लगता है कि जो अंडर परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स ने दी थी अभी वो परफॉर्मेंस आपको आते हुए दिनों में देखने को मिल जाएगी। एसबीआई जो लीडिंग स्टॉक है वो भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, वो एक संकेत दे रहा है कि पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पीएसयू बैंक्स इंडेक्स भी देखे तो भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और यूको बैंक की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। 41.50 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि 2 दिन पहले इसने क्रॉस कर दिया है, तो मेरा मानना है कि 40 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 40 के नीचे जाता है तभी एक दिक्कत वाली बात हो सकती है स्टॉक में। अभी के लिए होल्ड करे, और आपको आपका लेवल तो जरूर देखने को मिल जाना चाहिए अगले कई हफ्तों में। तो यूको बैंक होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 40 रहने की सलाह। फिलहाल यूको बैंक में संकेत ने हमें फोन लगाया है, अब नासिक से पूछे संकेत। हेलो मैडम, मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग का एक लॉट है 683.90, और रिलायंस कैपिटल का एक लॉट है 403.95। रिलायंस कैपिटल 403.95 पर, ठीक है। क्या सलाह होगी? समित की ले लेते हैं अब इस पर राय। समित, इंडिया बुल्स हाउसिंग जो 683 पर लिया है और रिलायंस कैपिटल 403.95, क्या सलाह है? देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग की अगर बात करें तो 688-690 का जुलाई फ्यूचर का इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है इसमें एक स्ट्रांग मोमेंटम आएगा टुवर्ड्स 705 से लेके 710 के आसपास, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। फिलहाल आज के लो का स्टॉप लॉस है जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 678 का स्टॉप लॉस इसमें रखिए और इसमें बने रहिए। अगर स्टॉक ये 688 का अगर लेवल ब्रेक करता है
तो इसमें एक स्ट्रांग मोमेंटम आएगा। और निफ्टी अगर आज जैसे मोमेंटम दिखा रहा है 83.35 के ऊपर आज क्लोजिंग अगर आती है तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं। सो इसमें बने रहिए 3678 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा आपने रिलायंस कैपिटल का जैसे बताया कि ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में है। अगर हम रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा इसमें देखें तो इसमें जो लास्ट फ्राइडे को एक स्ट्रांग करेक्शन आया था ब्रेक्जिट के बाद, तो वो उसके बाद इन्होंने एक अच्छी खासी रिकवरी दी है। बट अभी इनकी एक रेंज बन चुकी है। रिलायंस कैपिटल के लिए 410-412 का हर्डल क्रॉस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तो ये कंसोलिडेशन और कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखिए, 392 के स्टॉप लॉस इसमें बने रहिए। और अगर 410 के आसपास ये स्टॉक वापस अटकता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी माफ कीजिएगा, फिलहाल ये रणनीति आप लेकर चल सकते हैं। रिलायंस कैपिटल में 392 यह है स्टॉप लॉस का लेवल। महेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगला सवाल पूछने के लिए कल्याण मुंबई से। महेश बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पोजीशन है आपकी? मेरे को ये क्वांटिटी में खरीदना है टाटा मेटालिक्स। आप लेना चाहते हैं टाटा मेटालिक्स? तो बहुत तेज रफ्तार से भागता हुआ शेयर है। क्या अब यहाँ पर एंट्री लेने की राय होगी? समित क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। अगर लास्ट तीन में चार महीने की प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक ये 80-85 के आसपास था, वहाँ से 380 से लेके 400 का लेवल इसने ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। सो मेरे ख्याल से ये लेवल पे इसमें एंटर नहीं होना चाहिए। और ये स्टॉक का जनरल बिहेवियर होता है ये सर्किट टू सर्किट मूव होता है, तो ऑलरेडी इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दे दिए और अभी ये थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये स्टॉक में अभी एंटर करना काफ़ी रिस्की होगा। अगर इसमें नीचे के सर्किट लगने चालू होता है तो एग्जिट भी नहीं मिल सकता, तो ऐसे टाइम पे ऐसे स्टॉक्स में से थोड़ा दूर रहिए। चले, तो यहाँ पर निवेश की सलाह फिलहाल नहीं है क्योंकि काफी अपसाइड देखा गया है इस काउंटर में, तो अवॉइड ही करें। अगर भारी गिरावट आती तो शायद तब आप एक दोबारा कॉल ले सकते हैं। एआर वर्मा हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं लाइन पर। पूछिए वर्मा जी। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल है? ठीक है मैम जी, आप बताइए कहाँ पर निवेश किया है आपने? मेरे पास स्नोमैन के है मैम 1500 शेयर जी। और क्या पोजीशन दी आपने इसमें? मैं 71 के लिए कही है, तो अभी अब इसका जीएसटी से पहले इसका क्या वो है मैम, जीएसटी के बाद इसको होल्ड करना चाहिए या क्या? वर्मा जी आपके पास टाइम कितना है, कितना टाइम दे सकते हैं स्टॉक को? मैं स्टॉक को 2-3 साल से दे सकता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया है। फेयर इनफ समित, लॉन्ग टर्म नजरिए के लिहाज से अब फिलहाल आप देखिए इनके हाथ में 8.5 रुपए का फायदा लग रहा है, कितने और अपसाइड की गुंजाइश है? देखिए अच्छा, लास्ट मंथ हमने ओवरऑल लॉजिस्टिक स्पेस में एक अच्छा खासा रनअप देखा था। स्नोमैन में भी 65-64 के लेवल से इसने अच्छी खासी एक स्ट्रांग रैली दी थी। तो इनका 2-3 साल का अगर व्यू है तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। जितने जैसे ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये स्टॉक में ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। ज़्यादा बड़े लेवल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये 1-1.5 साल पहले लिस्ट हुआ है, तो ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। बट फ्रॉम करंट लेवल एटलीस्ट 9500 के लेवल इनको दिख सकते हैं। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई स्नोमैन में। दीप गोर हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। दीप बताइए। सर मेरा सवाल सनफार्मा पे है। मैंने 820 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का 12.30 रुपीज पे लिया है। सो अब उसका क्या करूं सर? फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बढ़ रहा है लेकिन ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन लिया और ये आपका ऑप्शन इस वक्त अगर हम देखें तो आपको लॉस में ही है। 12:30 की कॉस्ट है और 9.25 रुपए पे फिलहाल ये चल रहा है। इस वक्त की क्या पोजीशन है सनफार्मा की, वो भी हम देखते हैं क्योंकि आपने लिया है 820 के लेवल पर। 833 के ऊपर जाएगा तो आपकी कॉस्ट कवर होते हुए हम मुनाफे की बात सोचेंगे इसमें। तो काफ़ी दूर है अभी, तो 20% की कम से कम, माफ कीजिएगा 10% की कम से कम यहाँ पे उछाल है तो आपको मुनाफा आएगा। किरण क्या कहेंगे?
प्रदीप जी, अगर मई 2015 से एक सारे टॉप्स को ज्वाइन करते हैं और एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं कि उसकी वैल्यू करीबन 800-820 तक आती है, मुझे नहीं लगता बेस्ट के सिनेरियो में ये क्रॉस करता नजर आएगा, तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करती हुई नजर नहीं आएगी। फार्मा स्टॉक्स, कई फार्मा स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे पर सन फार्मा में ऐसे कोई पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। तो मैं इस क्लाइंट इस कॉलर को ये सलाह दूंगा कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बने रहना चाहिए, 760 स्पॉट रेट है जिसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 760 के नीचे चलना चालू कर देता है ये स्टॉक तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए स्टॉक से। चलिए, ये फिलहाल आपके लिए राय है, उन लेवल्स का आप जरूर गौर करें। अगला सवाल सतीश का अकोला से, पूछे सतीश। हाँ मैडम, मुझे ये पूछना था, मैंने SBI के 300 शेयर लिए 188 के, अब मुझे क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए या और कुछ प्रॉफिट होगा? SBI की पोजीशन है समेत 188 पर, मुनाफा तो हाथ में है, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, PSU बैंक्स का ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो गया लास्ट 2-3 महीने का, अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक्स अभी बाय ऑन डिप्स हो गए, जो 1-1.5 साल पहले हर एक राइज में इसमें सेलिंग आती थी, बट अभी वो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 5-6 दिनों में भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल PSU बैंकिंग ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। SBI की हालांकि 220-222 के आसपास इसका एक इमीडिएट हर्डल है, बट अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, बट अगर ये 1-1.5 महीने के लिए एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं तो इसमें बने रहिए, ये स्टॉक 240-242 के लेवल टेस्ट कर सकता है, यहाँ से अगर माइनर करेक्शन भी आता है 210-208 तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ओके, वक्त है फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बताइए, क्या है आपका सवाल? दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी बताइए, क्या है आपका सवाल? सर मैं REC बाय करना चाहता हूँ। REC में निवेश करना चाहते हैं, REC ही क्यों? सर काफी टाइम से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, 390 तक गया। हाँ हाँ, उसके बाद इसके ये टूटता रहा और अब 160 के लेवल पे आ गया था बीच में। ओके, तो आपने देखा कि यह काफी ऊपर से गिरा है धीरे धीरे और अब आपको लगता है कि एंट्री ले लेनी चाहिए, समित क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप, लास्ट 2 वीक से हमारा पॉजिटिव स्टांस इस पे हमने मेंटेन रखा है, 163-164 के आसपास हमने यहाँ पे बाइंग करवाई है। एट करंट लेवल ऑल्सो अगर इनका 2-3 महीने का व्यू है तो यहाँ पे यस डेफिनेटली ये बाय कर सकते हैं डिप्स में, फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो ये एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे लास्ट 2-3 महीने की हमने प्राइस एक्शन देखी है, 155 के आसपास इसने एक अच्छा खासा बेस फॉर्म किया हुआ है और अभी इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी हम देख रहे हैं, तो इसमें ये स्टॉक में पोटेंशियल है, एटलीस्ट ये 195-198 के लेवल आने वाले 2-3 महीने में दिखा सकता है, सो इसमें बाइंग की जा सकती है हर एक डिप में और 160 से लेके 165 का एक अच्छा खासा सपोर्ट मान के चलना चाहिए। यह फिलहाल राय आपके लिए, REC पर खरीदा जा सकता है काउंटर। अब विशु लाइन पर है दिल्ली से, पूछे विशु। हेलो सर, नमस्कार, बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली ना मैम मेरे पास टाटा मोटर्स के 500 शेयर है। ओके, एंड सेकंड मेरे पास वेदांत है, तो वेदांत में क्या कंटिन्यू करूँ या मेरे निकल जाना चाहिए? ये किन लेवल्स पर आपने स्टॉक्स लिए हैं अगर आप हमें ये बता सके? मैं टाटा मोटर्स लिया मैंने 464। ओके, 500 शेयर। और वेदांता? मैम वेदांता 112-500 शेयर। चलिए, वेदांता में तो आपके हाथ फिलहाल फायदा है और आपने टाटा मोटर्स कहा 464 पर है और यहाँ पर नुकसान हाथ लगता हुआ। किरण, क्या सलाह होगी गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह का आउटलुक है टाटा मोटर्स के लिए? टाटा मोटर्स पे पॉजिटिव आउटलुक है, जब तक ये स्टॉक टेक्निकली 440 के ऊपर ट्रेड करता है, जब तक ये 440 के ऊपर है तब तक इस ये पूरी कोशिश करेगा वापस एक बार 480-490 लेवल्स टेस्ट करने की, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो इस स्टॉक में जो शॉर्ट पोजीशंस है वो बहुत भारी हरकत में आ जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग के चलते ये इजिली 520 के ऊपर चलना चालू कर देंगे।
तो जो कि लॉन्ग पोजीशन से इसके लिए स्टॉप लॉस 440 के सजेस्ट करूंगा, 440 के नीचे करना चाहिए, 438 435 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। जहां पे वेदांता की बात करें, वेदांता बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक दिखाई दे रहा है, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न हो चुका है, तो उससे चलते लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाए देना रखने चाहिए। डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी दिखाई दे रहा है, तो मेरा मानना है कि ये इजीली आपको ऑन द हायर साइड ये स्टॉक इजीली इन द कमिंग डेज 160 तक जाने की संभावना बनती है, तो अपसाइड काफी है, तो आपको ट्रेनिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेनिंग स्टॉप लॉस करीबन 128 का रखना चाहिए फिलहाल, और जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना चाहिए। ओके, ये सलाह आपके लिए आ रही है। धर्मेश चावला हमारे अगले दर्शक हैं मुंबई से हमारे साथ। धर्मेश बताइए, क्या है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रदीप। गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल मेरा एक्चुअली दो सवाल हैं। तो अशोक लेलैंड है मेरे पास 400 शेयर्स एट 76 रुपीस। ओके, तो इज इट अ राइट टाइम टू एक्युमुलेट मोर और शुड आई वेट? और सेकंड मेरा दूसरा सवाल है एलएनटी इंफोटेक के लिए। एलएनटी इंफोटेक का जो आईपीओ आने वाला है 11 तारीख को, उसका इंपैक्ट एलएनटी के शेयर पे क्या होने वाला है? आपका दूसरा सवाल थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा इस वक्त हमारे लिए जवाब देना, क्योंकि एलएनटी इंफोटेक के कुछ वैल्यूएशन की डिटेल्स हमारे सामने ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कोई फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है, और ऐसे भी शायद थोड़ा और इंतज़ार करना चाहेंगे वो कोई भी कॉल देने से पहले। लेकिन आपके अशोक लेलैंड के सवाल पर ज़रूर इस वक्त आपको जवाब मिल जाएगा। एलएनटी इंफोटेक पे हम आगे जब भी चर्चा करेंगे तो आप सुन सकते हैं, या आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं जब ये इशू थोड़ा नज़दीक आ जाए तब। समित, आप अशोक लेलैंड पे क्या इन्हें सलाह देंगे? अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं, क्या और लेना चाहिए? देखिए, एंटरप्राइज इनकी काफ़ी नीचे है, तो और ये स्टॉक ने एक रिसेंटली एक करेक्शन दिया है 110-112 के लेवल से, बट इसकी अगर मंथली चार्ट देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। इतना है कि फिलहाल ये टाइम वाइज एक करेक्टिव फेज में चल रहा है, बट ये कंसोलिडेशन और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, बट 98 से लेके 94 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और अगर ये 2-3 महीने का मिनिमम अगर टाइम व्यू रखते हैं तो ये स्टॉक को ये एक्युमुलेट कर सकते हैं हर एक डिप में। पहला सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 92 का, जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट 86 से 84 का सपोर्ट जोन है, सो हर एक डिप में यहाँ पे ये स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये उसके जो रीसेंट हाईज है वो ब्रेक कर सकता है, और 122-124 के लेवल आने वाले कुछ महीनों में ये दिखा सकता है। चलिए, फिलहाल आपके लिए सलाह है, तो अशोक लेलैंड में आप बने रहिए और निश्चित लेवल्स पर शायद एक्युमुलेशन भी बनता है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और स्टॉक्स आपके लिए आके लेकर आएंगे जिसमें आप पोजीशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ली हुई है। बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर, और आइए अब जानते हैं कुछ और सवालों पर क्या है हमारे एक्सपर्ट की राय। विजय कोरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगला सवाल पूछने के लिए सांगली से। विजय बताइए, क्या है आपका सवाल? सर, बैंक ऑफ बड़ौदा जुलाई फ्यूचर 151 में बाय किया है 1 लाख, और ये दूसरा बायोकॉन का भी अगर कुछ पता चलता तो ब्रेकआउट है आपके पास या लेना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, ब्रेकआउट लग रहा है तो जरा किरण सर से जानना। ब्रेकआउट लग रहा है, आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ। अच्छा, एंड ऑफ द डे देखते हैं रियल टाइम? नहीं, एंड ऑफ डे, एंड ऑफ डे देखते हैं। तो आपको लगता है कि बायोकॉन में ब्रेकआउट आ रहा है, क्या वहां पर एक पोजीशन ली जा सकती है? किरण, आपसे जानना चाहते हैं ये, और इनके बैंक ऑफ बड़ौदा के सवाल का भी आप जवाब दे दीजिए एक लॉन्ग करके खड़े। बायोकॉन में ब्रेकआउट एक्चुअली आया था, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, कंटिन्यूएशन पैटर्न था, वो 27 तारीख को आया था एंड ऑफ डे चार्ट पे, उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वापस एक बार इस स्टॉक में डिमांड देखने को मिल जाना चाहिए। पर अगर कोई अभी पोजिशन लेता है तो इनके लिए 720 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट मूव आपको इस स्टॉक में करीबन 753 के ऊपर देखने को मिल जानी चाहिए, तो दो चॉइस है, अभी ले लो 720 का स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं तो 753 के ऊपर जब ये स्टॉक चलना चालू कर देता है उसके बाद ले लो, तो एक आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाएगा मोमेंटम में बाय करने की वजह से। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक भी अच्छा दिखाई दे रहा है,
बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल लॉन्ग पोजिशन बना के रखना चाहिए। एक इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 162 लेवल्स के नजदीक है, तो 162 के टारगेट्स मान के चलना चाहिए, पर 162 को बेचना नहीं चाहिए। 162 पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, और 162 के ऊपर अगर एक ये स्टॉक चलना चालू कर दे तो नेक्स्ट लेवल 180 है, तो बहुत अच्छा अपसाइड दिखाई दे रहा है, हेडरूम बहुत अच्छा है। इसके लिए अभी स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 154 का, जो कि बहुत नजदीक है, तो 154 के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है स्टॉक में, और जैसे मैंने कहा 162 के ऊपर और भी ऐड कर सकते हैं एग्रेसिवली। चलिए फिलहाल आपके लिए राय है बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही बायोकॉन पर। वक्त हो रहा है इसी के साथ तो ब्रेक का, ब्रेक में जाते जाते समय आपसे लेंगे इजाजत। शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन वायदे बाजार के एक्शन पर हम किरण जाधव से चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद, जब लेकर आएंगे आखिरी सौदा।